वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ रांची झारखंड, और जो कि रायपुर से रांची जो है 600 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बस निकल रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे सीधा रास्ते में। तो गाइज मैं आरंग और महानदी पुल दोनों क्रॉस कर चुकी हूँ और अभी भी आप देख रहे हैं अभी भी एकदम अंधेरा है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा उजेला होने के बाद। और ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा उजेला होने लग गया है और अब तो सुबह शाम ठंड भी पड़ने लगी है। देखिए कितना कोहरा है अभी भी। और ये अब जोक नदी क्रॉस कर रही हूँ मैं। और अब ये देखिए सूरज भगवान जी भी निकल गए हैं। और ये अब मैं पहुंच गई हूँ सरायपाली। इधर से लेफ्ट जाते हैं तो ये देखिए इधर से लेफ्ट जाने में सरायपाली पड़ता है। और ये देखिए अब यहाँ पे आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट है ये, और आज कैसे खाली है, नहीं तो इधर पे पूरा ट्रकों की भीड़ रहती है, हमेशा चेकिंग होती रहती है। और अब हल्की हल्की धूप भी निकल गई है इस समय, लेकिन ठंड भी बहुत पड़ रही है। सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड हो जा रही है। और ये देखिए इधर मेरे लेफ्ट साइड माता जी का मंदिर है, जय माता रानी। ये देखिए, और ये देखिए मंदिर जाने का ये एक और रास्ता है, इधर से कार वगैरह सब ऊपर तक जा सकती है। और ये देखिए ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इधर पे छत्तीसगढ़ बॉर्डर था और अब इधर हम लोग आ गए उड़ीसा में। और ये देखिए अब एंटर कर चुकी हूँ मैं उड़ीसा में। और ये अब मैं पहुँच गई सोहेला। अब धूप एकदम अच्छे से निकल गई है और अब लोग भी थोड़ा दिखने लग गए हैं। और ये इधर से राइट साइड जिधर से ये बस आ रही है पीली वाली, इधर से नरसिंहनाथ जाने का रास्ता है। और ये देखिए इधर से ये जो राइट साइड पे रोड गई है ये पुरी जाने का रास्ता है, इधर से भी पुरी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा संबलपुर होते हुए ही जाते हैं पुरी। और ये अब बरगढ़ पहुंच गए हैं, ये देखिए इधर से ही राइट साइड बरगढ़ शहर जाने का रास्ता है। और ये पता नहीं कौन सी नदी क्रॉस कर रही हूँ मैं। और ये अब एक और टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं। और अब ये अतबीरा पहुंच गई, अच्छी जगह है। और वैसे भी अब सुबह का टाइम हो गया है, मतलब धूप वगैरह अच्छी हो गई है और अब थोड़ा भीड़ वगैरह भी दिखने लगी है। और ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड से ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी। और अब ये देखिए यहाँ से ये इधर से लेफ्ट साइड से हीराकुंड डैम जाने का रास्ता है, इधर से अपन जवाहर मीनार जाते हैं। और ये अब महानदी पुल क्रॉस कर रहे हैं। और इस चौक से भी इधर लेफ्ट साइड से हीराकुंड डैम जा सकते हैं। और ये एक और महानदी पुल क्रॉस कर रहे हैं। और वैसे संबलपुर तक का तो रास्ता देखा हुआ था, अब उसके आगे का रास्ता नहीं देखा हुआ है क्योंकि इसके उधर आगे हम लोग कभी गए नहीं हैं। तो अब मैप देख रहे हैं और अब ये इधर मैप लगा के मैप के द्वारा जाएंगे। और ये देखिए इधर से राइट साइड से पुरी जाने का रास्ता,
हम लोग हमेशा इधर इधर तरफ से ही पूरी जाते हैं। और इधर आगे से लेफ्ट साइड जाने में भी हीराकुंड डैम पड़ता है, पर इधर पे गांधी मीनार पड़ता है, और जो पीछे क्रॉस किए थे उधर पे जवाहर मीनार हीराकुंड डैम पड़ता है। मतलब दो मीनार है, उधर जवाहर मीनार और इधर पे गांधी मीनार। इधर से सीधा कलकत्ता पड़ता है। और अब इधर से अब हम लोग लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। इस चौक का नाम जो है बिरस मुंडा चौक है। और इस चौक से ये देखिए अब हम लोग लेफ्ट साइड मुड़ गए हैं रांची के लिए। और इस एक्सप्रेसवे का नाम है बीजू एक्सप्रेसवे नाम है इसका। और ये देखिए एक और टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं अब। और इधर पे ना पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है दोनों तरफ। ट्रकों का तो इतना भीड़ है कि पूछो मत। पूरा ये देखिए इधर पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे पूरा ट्रक ही ट्रक लाइन लगी हुई है। बहुत ट्रैफिक है इधर। और ये अब पता नहीं कौन सी जगह पहुंच गई हूँ मैं। मुझे कहीं पे कुछ दिखा नहीं अभी लिखा हुआ। और ये एक और नदी क्रॉस कर रही हूँ। तो गाइस अब ये मैं पहुंच गई झारसुखड़ा। ये देखिए इधर पे भी बहुत ट्रैफिक है, ट्रकों का तो अति है इधर पे। बाइक सीख रही है, ट्रैफिक है तो फिर पीछे से चलाने लग रहे हैं। और ये अब एक और टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं। और ये अब मैं सुंदरगढ़ पहुंच चुकी हूँ। ये देखिए इधर भी पूरा बाहर बाहर रोड बना हुआ है। और इधर से सीधा राउरकेला 95 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये पहुंच गई कुतरा कुतरा गांव पहुंच गई। तो गाइज अभी मैं कुतरा में हूँ और अब यहीं से हम लोगों को लेफ्ट मुड़ना है रांची के लिए। और ये देखिए अब यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ये अब रांची के लिए लेफ्ट मुड़ गए हैं। तो गाइज अब यहाँ से ये जब लेफ्ट साइड मुड़े हैं यहाँ से रांची जो है 180 किलोमीटर अभी और है। और ये लेफ्ट साइड पुलिस स्टेशन। और ये अब एक और नदी क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। इधर कहीं आसपास डैम बना हुआ होगा तभी इतना पानी भरा है इस नदी में। और ये देखिए इधर पे पूरा रोड खराब है, पूरा रोड ही उखड़ गया है। लगता है इधर पे भी ना रोड बनने का काम शुरू है। और उधर पे ना कम से कम आधा किलोमीटर तक पूरा रोड खराब था, फिर उसके बाद रोड ठीक है इधर पे।
और ये अब हम उड़ीसा बॉर्डर को बाय बाय बोल के और ये देखिए झारखंड में आ गए हैं। और ये देखिए इधर पे कितनी चेकिंग भी हो रही है, पूरा पुलिस लगी हुई थी। अभी रांची यहाँ से 150 किलोमीटर दिखा रहा है। इस जगह का नाम है भट्टी टोली। और इधर पे ना पूरा रोड ऐसे ही है, मतलब डिवाइडर वाला रोड नहीं है, पूरा ऐसे ही रोड है। सिमडेगा, इस जगह का नाम है सिमडेगा। अच्छी जगह, मतलब काफी बड़ी जगह लग रही है ये। इधर पे इतनी ज्यादा चेकिंग हो रही है, पूरा मतलब थोड़े थोड़े दूर में पुलिस लगी हुई है। और अब ये यहाँ से घाट शुरू हो गया है। और इधर पे ना ये जो घाट है, जैसे अपने इधर है केसताल घाटी वगैरह, वैसे मोड़ नहीं है, एकदम गोल गोल से मोड़ है और एकदम चढ़ाव जैसा भी नहीं है, मतलब अच्छा है, इजी घाट है, आराम से क्रॉस कर सकते हैं। इस जगह का नाम है गड़ा नाला, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधान। और ये आप इधर पे देखें, मतलब ये जो ये पहाड़ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ पूरा एक पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा। ये वाला भी ऐसे ही लग रहा है जैसे सिर्फ एक पत्थर रख दिया गया है। इधर पे ना ऊपर में मंदिर है शायद। और ये अब कहाँ पहुँच गई मैं, सिमडेगा पुलिस तो लिखा है, पता नहीं कौन सी जगह है। देखिए इधर पे भी चेकिंग हो रही है। और ये अब एक और नदी क्रॉस कर रही हूँ। इधर पे बहुत सारी नदी क्रॉस की, पर मुझे नाम ही नहीं मालूम है किसी नदियों का। जिसका मालूम है उसका बता दी, जिसका नहीं मालूम है नहीं बता पाई। और रोड की कंडीशन बताएं तो इधर की रोड की कंडीशन एकदम अच्छी है, अच्छी रोड बनी हुई है, कहीं पे भी नहीं है खराब। बस बीच में वही एक जगह आधा किलोमीटर खराब थी रोड, नहीं तो रोड एकदम अच्छी है। और घर से ही रोड अच्छी है, पूरी हाईवे है। और अभी यहाँ से रांची जो है 70 किलोमीटर बचा हुआ है। इधर पे रोड खराब है काफी, देख रहे हैं, और पूरा सिंगल रोड है।
और ये क्या लिखा है, जरियागढ़ थाना। और ये पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। ये देखिए पूरा रोड के दोनों तरफ पूरा मार्केट लग रहा है, मतलब अच्छा है मार्केट लगा रहे हैं तो रोड पे ही खड़े हैं सब। अच्छा है, काफी बड़ी जगह है। और ये जो आप इधर ऊपर में ये रोड देख रहे हैं, ये रांची का रिंग रोड है। और ये इधर मेरे लेफ्ट साइड धुरवा डैम है, एकदम पानी भरा हुआ है। मेरे ख्याल से अब रांची पहुंच गए हैं। हाँ अब हम लोग रांची पहुंच गए हैं, ये देखिए। ये धुरवा चौक है। तो गाइस अब हम लोग रांची पहुंच चुके हैं, तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।